देख रहे हैं रिवर दर्शन। मैं हूं आपके साथ शादाब सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सामान थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात बदमाशों ने दिया बड़ी वारदात को अंजाम, घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग। डाक मत पत्र को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक हुई संपन्न। शासकीय मातल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 के छात्रों का नेशनल लेवल टेनिस बॉल प्रतियोगिता में हुआ चयन। नगर निगम के द्वारा कलेक्ट्रेट से मातल स्कूल तक सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण। शिवसेना ने रीवा संभाग से 16 विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी। अब खबरें विस्तार से। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने सामान थाना क्षेत्र अंतर्गत दीप ज्योति स्कूल के पास घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग। पीड़ित ने कराई थाने में शिकायत दर्ज। एक तरफ जहां शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और बदमाशों में खौफ पैदा करने के उद्देश्य को लेकर शहर में केंद्रीय सुरक्षा बल सहित पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, लेकिन बदमाशों में इसका खौफ नजर नहीं आया और उन्होंने सामान थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी में स्थित दीप ज्योति स्कूल के सामने रहने वाले बाबूलाल जायसवाल के घर के बाहर खड़ी नई कार में बीती रात आग लगाकर फरार हो गए। जिस वक्त यह घटना हुई, घर के लोग अंदर सो रहे थे। जब घर के अंदर धुआं गया तब उनकी नींद खुली और इस बात की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। सर, हम सो रहे थे अंदर, 1:15 हम लोग जाने, जब आग लग गई थी ऊपर धुआं गया, लोग उठे, आग पकड़ ली, तो लोग जल्दी से बुझाने लगे। 100 नंबर को कॉल किए, गाड़ी जल चुकी सर। और मेरे किसी से विवाद है नहीं, और किसी से मेरा विवाद जो बल्ली मेरे आइटम से जरूर चल रहा है, जो कि कोर्ट में भी चल रहा है, गाड़ी के भी चल रहा है। घर के विवाद नाम है मैडम अंजू जायसवाल, अंजू तिवारी। उर्फ अभी 2 दिन पहले उनको घर पे कब्जा की थी, तो अभी हम कंप्लेन किए थे। 19 विवाद था मेरा, बाकी किसी विवाद नहीं था। और भी गाड़ियां आगे जला चुकी हैं क्या यहाँ पे? पहले यहाँ पे नहीं है, पिछले साल आज से 2 साल पीछे गाड़ी जला चुकी थी। वही मेरे नाम पे गाड़ी थी, वो खड़ा कर ली थी, वहाँ भी कोई आग लगा दिया था। उस समय हम नागपुर में थे, डस्टर गाड़ी थी ना? हाँ, डस्टर गाड़ी थी। अरे सफारी भी थी? सफारी बड़े जन के थी, तब कोई जलन की भावना रख रहा, कैसे देखे नहीं तो किसको कहते। बाकी रहा विवाद की बात, तो पुलिस आई थी। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान डाक मतपत्र को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक हुई संपन्न। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन काम में शामिल कर्मचारी डाक मतपत्र के द्वारा अपना वोट डाल सकेंगे, जिसके विषय में जानकारी देने कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि केवल निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारी ही डाक मतपत्र के द्वारा अपना वोट डाल सकेंगे। इन सभी मतदाताओं की जांच के बाद ही ये अपना मत डाल सकेंगे। तो वहीं प्रथम अथवा द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान ही कर्मचारियों को डाक मतपत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बैठक में डाक मतपत्र प्रभारी नियुक्त किए जाने पर भी चर्चा की गई। शासकीय मातल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 के छात्रों का नेशनल लेवल टेनिस बॉल प्रतियोगिता में हुआ चयन। ग्वालियर में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय टेनिस बॉल प्रतियोगिता में रीवा के टेनिस बॉल एसोसिएशन के द्वारा टीम भेजी गई थी, जिसमें शासकीय मातल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 के 4 छात्रों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ये सभी छात्र बुधवार को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए रवाना होंगे। ये मध्य प्रदेश टेनिस बॉल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो ग्वालियर डबरा में संपन्न हुई, उसमें रीवा जिला टेनिस बॉल एसोसिएशन की टीम सम्मिलित हुई। इन प्रतिभागी बच्चों द्वारा तृतीय स्थान वहां पे अर्जित किया गया, जिसमें से ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। नगर निगम की मुहिम कलेक्ट्रेट से मातल स्कूल तक सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण। सड़क पर लगने वाले जाम का मुख्य कारण होता है सड़कों पर फैला अतिक्रमण, जिसके चलते यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है। शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से नगर निगम के द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट से मातल स्कूल तक सड़क के किनारे गाड़ी बनाने तथा अन्य कार्य करने वालों की दुकानों को हटाकर सड़क को अतिक्रमण से मुक्त किया गया। आज कलेक्ट्रेट से लेकर मातल स्कूल किनारे तक जो ये गाड़ी बनाने वाले और गैस बिल्डिंग वाले थे, उनको हटाया गया। धरना स्थल की भी सफाई की गई।
हमें दिखाना है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, अपनी वोट की ताकत हमें दिखाना है। आओ हम प्रयास करें, आओ हम प्रयास करें, लेकर हाथ में हाथ करें, सब मिल साथ साथ करें। आओ हम प्रयास करें, आओ हम प्रयास करें, आओ हम प्रयास करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 28 नवंबर का दिन निर्वाचन आयोग द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए मतदान के लिए निर्धारित किया गया है। मैं आप सभी लोगों से अपील करती हूं कि 28 नवंबर को मतदान अवश्य करें और अपने आसपास के, अपने परिवार के, अपने समाज के लोगों को भी जागरूक करें कि वे आगे आएँ और स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में सहभागी बनें। आपका वोट आपकी ताकत है, इसका नैतिक और सार्थक उपयोग करें। 100% मतदान बनेगा रीवा का अभिमान। शिवसेना ने रीवा संभाग से 16 विधानसभा प्रत्याशियों की पहली व प्रदेश की तीसरी सूची करी जारी। शिवसेना के प्रदेश प्रमुख हरेश्वर महावर एवं प्रदेश चुनाव प्रभारी सुरेश गुज्जर एवं उपराज्य प्रमुख एवं रीवा संभाग प्रभारी सुरेंद्र नाथ दुबे की उपस्थिति में मंगलवार को शिवसेना ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद सभी प्रत्याशियों को शुभकामना देते हुए उन्हें बधाई दी गई। 25 सीटें हिंदू महासभा को हमने समझौते में दी हैं, 230 में से, और बाकी सभी सीटों पर हम लोग चुनाव। महिला पहुंची आईजी के पास, मारपीट, गाली गलौज, बेइज्जत किए जाने की कड़ी शिकायत। पनवार की रहने वाली महिला ने गांव के ही दो लोगों पर छेड़छाड़, गाली गलौज किए जाने की शिकायत रीवा रेंज के आईजी से की है। पीड़िता का कहना था गांव के ही लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसकी शिकायत पनवार थाने में करने पर वहां उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। गांव के ही दोनों लोग लगातार उसको धमका रहे हैं। महिला का कहना था उसकी रिपोर्ट पर सही जांच कराकर उचित कार्रवाई कराई जाए। बड़ी बेरेंज है सर। कहाँ आई है? महिला थाना आई है। कारण क्या है महिला थाना आने का? विवाद हुआ है हमारा ओम प्रकाश शंकर सर। विवाद का क्या कारण है? गांजा बेचते हैं ओम प्रकाश, उनको हम मना किया तो ओम प्रकाश शंकर सर की बुला लाए, फिर हमारे घर में घुस के हमको मारे हैं दोनों लोग। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बरेतिन के रहने वाले। मोहल्ले के ही हैं? हाँ। पड़ोसी हैं क्या? हाँ पड़ोसी। रिश्तेदार हैं आपके? नहीं हमारे रिश्तेदार नहीं, गांव के। थाने में आपने रिपोर्ट डाली? नहीं सर, रिपोर्ट लिखी नहीं गई। क्यों, कारण क्या है रिपोर्ट न लिखने का? पैसा वैसा दे दिया होगा।
पुलिस वालों ने क्या बोला आपसे? हटा दिया। कितनी बार थाने गई हैं? 3 बार गए। कहाँ कहाँ आवेदन दिया आपने अभी? याजी ऑफिस, एसपी ऑफिस, महिला थाना। क्या सुनवाई हो रही है आपकी? कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहते हैं अब आप? कार्रवाई चाहती हूँ। सड़क पर जा रहे युवक से कुछ युवकों ने की अभद्रता, विरोध करने पर की मारपीट, पीड़ित ने कराई थाने में शिकायत दर्ज। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बदराव का रहने वाला युवक चिरौला मंदिर दर्शन करने गया था, जहां पर दर्शन करने के बाद वो बाहर सड़क पर आया तो वहां पर खड़े कुछ युवक उससे अभद्रता करने लगे और जब उसने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की शिकायत बिछिया थाने में दर्ज करा दी। मैं कल रात को 9 बजे के आसपास चिरौला मंदिर से आया, तो मैं वहाँ पर घूम रहा था रोड पे, तो ये लोग आए उधर से, पहले वो दीपक और अतुल वहीं पर थे और एक नारायण लड़का था कोई, तो वहाँ पर मेरे से पूछा क्या कर रहे हो, कि दारू पिए हुए थे। मैंने उनको बोला कि भाई मैं घूम रहा हूँ, मंदिर साइड जा रहा हूँ, मैं इधर घूम रहा हूँ, तो मेरी तलाशी लिए जहरा जूरी करने लग गए, तो उसी में छीना छप्पी में मैं उनके पास में गया। मैं भी भाई अपने बचाव के लिए मैं गया उनके पास में, उन्होंने पहले से पूरी सेटिंग बना रखी थी। उन्होंने फ़ोन किया तो फिर विवेक आया और एक सुधीर आया, वो भी मेरे परिवार का ही है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। वो इनके बुलाने पर आया और इन्होंने एकदम से मेरे ऊपर हमला चालू कर दिया। फिर उसके बाद मैं भाई मेरे लोग घर में थे, मैं वहीं से आवाज़ लगाया, घर के पास ही था, मैं ज़ोर से चिल्लाया तो भाई मेरे बाहर आए, क्या हो गया करके, इतने में वो लोग भागना शुरू हो गए, मेरे सर्वर में मार दिया, लगभग 13 टांके आए हुए सर में। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें, मनोरंजन के लिए देखते रहिए रीवा दर्शन, नमस्कार।